तो हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रोडस्टार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आत्मा के बारे में जो है या नहीं किसी को नहीं मालूम है, जो दिन दहाड़े अपना शिकार खोज लेती थी, और शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो इसके हाथ से अब तक बच पाए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुचिसा के ऊना के बारे में। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कुचिसा के ऊना है कौन और इसने ऐसा क्या कर दिया जो जापान का सबसे डरावना और सबसे खौफनाक आत्मा में से इसे एक माना जाता है, और क्या हुआ था इसके साथ जो ये इतना खतरनाक आत्मा बन गई। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वक्त था 1970 का। जापान के लोग काफी हंसी खुशी तरीके से रह रहे थे, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से डर का साया फैलने लगा, लोगों के मन में खौफ जागने लगी। ये कहानी है कुचिसा के ऊना की, जो दिन दहाड़े सुनसान गलियों में बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। ये कहानी इतनी ही डरावनी थी कि जापान के कुछ शहरों में खौफ का साया फैलने लगा। कुचिसा के ऊना एक डरावनी दिखने वाली औरत थी जिसका मुंह दो हिस्सों में बटा हुआ था, जैसे किसी ने उसके जबड़े से चीड़ दिया है, और इसीलिए वो बहुत ही भयानक दिखती थी। जापान के सुनसान गलियों से जब बच्चे गुजरते थे तो वो मास्क पहन के उनके सामने आ जाती थी और ये पूछती थी कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। सुनने में ये सवाल काफ़ी सिंपल लगता है, लेकिन ऐसा था नहीं। अगर कोई उसका जवाब ना में देता था तो वो उसे मार देती थी, और अगर कोई बोलता था कि हाँ तुम खूबसूरत दिखती हो तो वो अपना मास्क उतार के उसका असली चेहरा दिखाती थी और फिर से पूछती थी कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। तब अगर कोई ना बोलता था तो तब भी उसे मार दिया जाता था, और अगर कोई हाँ बोलता तो वो उसके चेहरे पर भी वैसा कर देती थी, जिसके बदौलत वो बच्चा भी मर जाता था। जापान में ये किस्सा इतना ज़्यादा होने लगा कि बच्चे डरने लगे बाहर जाने से। माँ बाप उन्हें स्कूल भेजना नहीं चाहते थे अकेले, और उन्हें कहीं अकेले जाने नहीं देते थे। सब लोग जैसे खौफ की ज़िंदगी जी रहे थे, और इसीलिए जापान के गवर्नमेंट को बच्चों को उस वक्त प्राइवेट प्रोटेक्शन भी देनी पड़ी इसीलिए। और कुछ कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि उन्होंने कुचिसा के ऊना को देखा है, और वो बहुत ही डरावनी शक्ल की दिखती है। लेकिन इसके पीछे का राज क्या है वो अभी जानने की कोशिश करते हैं। वो एक समुराई की पत्नी थी। समुराई युद्ध में गया हुआ था, और वो जब युद्ध से वापस आया उसने अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक समय में देख लिया, और उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी पत्नी का मुंह जबड़े से दो हिस्सों में अलग कर दिया अपने चाकू से, और उसने ये कहा कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर इतना गर्व है और इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, और तुम अभी अपना मुंह किसी को नहीं दिखा सकती, तो इसीलिए उसका मुंह दो हिस्सों में बटा हुआ है। और जब उसने अपने आप को आईने में देखा तो वो इतना डरावना लगता था कि उसने अपनी खुद की जान ले ली, और सबको लगा कि किस्सा वहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन करीब 800 साल बाद 1970 में ये फिर से जाग गई और छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाने लग गई। कुछ लोग अब भी बोलते हैं कि उन्होंने कुचिसा के ऊना को देखा है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो ये थी कुचिसा के ऊना की कहानी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, और पास में दिया हुआ बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में ऑन कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो निकालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन तुम तक पहुँचे। और तुम लोगों को अगर बंगाली रोस्टिंग पसंद है तो इस चैनल में जाओ, वीडियोज़ देखो और सब्सक्राइब करो। ये तरह तरह की बंगाली रोस्टिंग वीडियोस बनाता है और काफ़ी अच्छा बनाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाओ और सब्सक्राइब करो।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हैप्पी।